तो अभी मैं आई थी स्मार्ट बाज़ार ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, और आज हो गई है 5 जनवरी, और धीरे धीरे ये महीना भी निकल जाएगा क्योंकि विंटर सीज़न का ये वाला मंथ बहुत टफ होता है। यानी दिसंबर में तो कुछ पता ही नहीं चलता है ठंड का, लेकिन जैसे जनवरी स्टार्ट होती है बहुत ठंड हो जाती है। तो बस देखते देखते ये महीना भी निकल जाएगा और फिर आ जाएगा फरवरी, और फरवरी का मंथ बहुत अच्छा होता है। वैसे साल के सारे महीने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे नवंबर और फरवरी का महीना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा होता है, ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है। तो फ़िलहाल अभी कर लेते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग। तो आज मुझे स्पेंसर जाने का दिल कर रहा था कि मैं वहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग करूँ, क्योंकि जब से स्मार्ट बाज़ार ओपन हुआ है लगातार मैं यहीं से ग्रॉसरी शॉपिंग कर रही हूँ। हालाँकि मैंने स्पेंसर से काफ़ी बार ग्रॉसरी शॉपिंग किया था, तो किसी भी जगह से अगर आपका जुड़ाव हो जाता है ना तो वो सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। तो फ़िलहाल दोनों ही जगह मुझे पसंद है और दोनों जगह से मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और स्मार्ट बाज़ार भी लगातार आ रही हूँ मैं, लेकिन स्पेंसर के बारे में यही सोच रही हूँ कि हाँ कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि यहाँ से भी मेरी शॉपिंग होती रहे और वहाँ से भी होती रहे। तो फिलहाल जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए निकलें तो हमेशा ही लिस्ट ज़रूर बनाएं, यानी आपके किचन में जिन चीज़ों की ज़रूरत हो आप उनको लिस्ट में ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो आपके टाइम की बचत होती है, क्योंकि आप बिना लिस्ट बनाए ही आ जाएंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। सोच सोच के आप खरीदेंगे तो जाहिर है आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, तो लिस्ट बनाना कभी ना भूलें। और इससे एक फ़ायदा तो ये भी होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ों को जो बिला वजह खरीद लेते हैं उससे भी आप बच जाते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है पहले आपको उनको ख़रीदना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आएँ तो हमेशा ही जल्दी आएँ ताकि मॉल में भीड़ भाड़ ना हो और आसानी से आप जो चाहें जहां से चाहें उठा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब भीड़ भाड़ हो जाती है ना तो कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इस तरफ दिखा मुझे अमरूद जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का था, और ये सारे फल जो हैं बाहर से होते हैं तो इनकी क्वालिटी भी थोड़ा अलग होती है, इनका प्राइस भी अलग होता है और ज़ाहिर है खाने में इनका टेस्ट भी अलग होगा। और यहाँ पे रखे हुए थे स्ट्रॉबेरी जो कि 2 कलर में थी, दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो वैसे तो नॉर्मली रेड कलर में होती हैं, लेकिन अभी शायद ये पकी नहीं थी ठीक से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी दिखने में। तो स्ट्रॉबेरी का आप शेक बना सकते हैं, बहुत अच्छा होता है आपके सेहत के लिए, आपके ब्यूटी के लिए। तो कोशिश करें कि आपकी डाइट में ये ज़रूर शामिल हो। कोहड़ा ये कच्चा है मैम, वो पका है, ये आपका पका वाला है। हाँ। ये सेम, हाँ सेम है दोनों, जुकनी ग्रीन जुकनी, ये पक गया है पका कोहड़ा, ये कच्चा कोहड़ा है। वही कोड़ा जो गोला वाला कद्दू ना, वही की वैरायटी का है, वैरायटी का है ये लंबा वाला, ये हरा सेब है ना, यहाँ ग्रीन ही एप्पल। क्या इसका प्राइस है? 289 रुपीस के जी। अच्छा, खाने में वही सिंपल वाला जैसे हो वैसे। तो खैर, जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो कोई ना कोई फल या सब्ज़ी मुझे ऐसी ज़रूर दिख जाती है जिसके बारे में मुझे पता नहीं होता है, तो मैं हमेशा ही उसके बारे में पूछती हूँ, क्योंकि चीज़ों के बारे में जानने का शौक मुझे हमेशा से ही रहा है। तो अगर आपको भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, आप कहीं जाते हैं किसी शॉप पर किसी मॉल में, तो अगर आपको जानने का शौक़ है तो ज़रूर सवाल करिए, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा।
तो चलिए जब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, तो यहाँ पर बच्चे लिफ्ट ले रहे थे और मैं जाऊँगी सीढ़ियों से, क्योंकि मुझे यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखना होता है और साथ ही साथ आपसे भी शेयर करना रहता है, क्योंकि हो सकता है किसी ऐसी चीज़ की आपको तलाश हो जो इस वीडियो में दिख जाए और आपको आसानी से मिल सके। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब भी यहाँ पर मैं आऊँ तो पूरा कवर करूँ, ताकि आप आसानी से चीज़ों को देख सकें और अगर ज़रूरत हो जाके ले भी सकें। तो सेकेंड फ्लोर पर जब भी मैं आती थी, सबसे पहले मैं यहाँ से चाय पत्ती उठाती थी, लेकिन अभी मुझे चाय पत्ती नहीं लेनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चाय पर पूरी तरीके से पाबंदी लग चुकी है। इवन अमान का भी मैंने चाय बंद कर दिया है और अभी बस मिल्क लेते हैं सुबह के टाइम, और काफ़ी अच्छा होता है अगर आप चाय पीना बंद कर दें तो ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि खाली पेट जब आप चाय पीते हैं ना तो आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर आपको नारियल पानी तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे लिक्विड भी रखा है बॉटल में, आप उसको भी ले सकते हैं, और अनार का जूस है उसको भी ले सकते हैं। फ़िलहाल कोशिश यही करनी चाहिए कि ताज़े फल खाएं, लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो स्मार्ट बाज़ार की सबसे बड़ी खासियत मुझे यही लगी कि जो भी मैं लिस्ट में मेंशन करके लाती हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ मिल जाती हैं, और कोई चीज़ मुझे यहाँ पे ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि टाइम नहीं वेस्ट होता है, जल्दी जल्दी फटाफट सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो चलिए अभी कॉर्नफ्लेक्स ले लेते हैं। तो ये आप अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करिए, और कोशिश करिए कि आप भी दिन में कम से कम एक बार इसको ज़रूर खाएं, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर आपके सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अब आ गए थे इस वाले रो में, लेकिन आज मुझे कोई भी शैम्पू नहीं ले जाना था, क्योंकि अभी जो मैं लास्ट टाइम बायोटिक का शैम्पू ले गई थी वही चल रहा है, और वो बालों के लिए मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और कोई भी शैम्पू अगर होता है आप उसको यूज़ करते हैं तो कम से कम रिज़ल्ट आने में एक महीने का समय तो ज़रूर लगता है। तो जब भी आप कोई शैम्पू चेंज करें तो थोड़ा सा वेट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत जल्दी से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, बल्कि वेट करना पड़ता है थोड़ा सा। और टूथपेस्ट आप हमेशा ही कोलगेट का यूज़ करें, काफ़ी अच्छा होता है आपके दांतों के लिए और आपके मसूड़ों के लिए। तो अभी यहाँ पर मुझे एक नई चीज़ दिखी, और ये था स्क्रबर, जो कि आपको बॉडी वॉश करते टाइम काम आता है। और जब भी आप बॉडी को इससे स्क्रब करें तो कोशिश करिए कि स्लोली स्लोली आप इसको अपने बॉडी पे चलाएं, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो स्किन कट भी जाएगी। तो कई तरीके से यहाँ पे स्क्रबर रखा था, अगर आपको ज़रूरत है तो ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पैरों के एड़ियों को भी साफ़ करने के लिए रखवा था ब्रश, इसको भी आप ज़रूर रखिए अपने बाथरूम में, और कोशिश करिए कि जब भी आप बॉडी वॉश करें तो पैरों की क्लीनिंग अच्छे से करें। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ब्लीच का भी ऑप्शन मिलेगा, और ब्लीच की अगर बात करें तो VLCC की ब्लीच बहुत अच्छी होती है, और पर्सनली मैं ब्लीच का यूज़ बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लीच नहीं पसंद है, नेचुरल फेस ही रखना मुझे पसंद है। और ये आपके स्किन के लिए अच्छी भी होती है, लेकिन किसी भी चीज़ का यूज़ अगर आप करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको अपने फेस को नेचुरल रखना चाहिए, और इन सारी चीज़ों से जितना हो सके अपने फेस को दूर रखना चाहिए। और आपको यहाँ पर बच्चों के पैम्पर्स भी मिल जाएंगे, जिसमें कि काफ़ी अच्छे ऑफर लगे हुए हैं। और बर्तनों की क्लीनिंग के लिए हमेशा ही आप विम लिक्विड का यूज़ करें, समटाइम लोग सोप का भी यूज़ करते हैं जो कि इतना अच्छा नहीं होता है, और जो भी घर में मेड आती हैं वो जब बर्तन धुलती हैं तो सोप के निशान रह जाते हैं, लेकिन अगर आप लिक्विड यूज़ करते हैं तो उससे बर्तन काफ़ी अच्छे शाइन भी करते हैं और अच्छे से क्लीन भी होते हैं।
और ये वाले कंटेनर काफ़ी काम के होते हैं, आप इसको अपने घर में ज़रूर रखिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा बॉक्स है ये, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे सामान होते हैं जो इधर उधर बिखरे रहते हैं, अगर आप इसके अंदर उनको इकट्ठा करके रख देते हैं तो आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। तो ये वाली बास्केट मैं यहाँ से 4 ले गई थी पिंक एंड वाइट कलर में, और काफ़ी सस्ती थी और काफ़ी अच्छी थी, और रूम में जब मैंने उसको रखा ना तो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। और साथ ही साथ मैंने ये वाली भी बास्केट ली थी, और ये आई थिंक 299 में थी, और इसमें 6 पीस हैं, एक बड़ी है, 2 मीडियम थी और 3 छोटी थी, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने इसको दिखाने के लिए बोला था लेकिन मैं भूल गई थी, तो अगर आपको ज़रूरत है तो जाके ले सकते हैं, अभी भी मौजूद है वाइट कलर में एंड ग्रे कलर में। और यहाँ पर छोटी सी बकेट स्टाइल में ये बास्केट मिली और बहुत अच्छी लग रही थी, वाइट कलर में थी, लाइट वेट थी, और इसका प्राइस था 54, और 3 पीस में यहाँ पे रखी थी। पहले मैंने सोचा ले लूँ लेकिन फिर मैंने रख दिया था, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर ज़रूरत आई तो ज़रूर लूँगी, क्योंकि अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप इसको रख सकते हैं उनके टेबल के ऊपर, छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े वो फाड़ फाड़ के इधर उधर फेंकते रहते हैं, आप इसमें उनसे रखवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी ना कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी बास्केट भी रखी हैं जो कि बहुत काम की चीज़ होती हैं, और आपको इनको अपने घर में अपने रूम में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे से जो कपड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं ना, आप इस तरीके से लिड वाली बास्केट खरीदें और उसके अंदर रख दें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो ढूंढना ना पड़े और आसानी से आपको मिल सके। और अभी आगे थे बर्तनों वाले एरिया में, तो यहाँ पर ये मसाले रखने वाले जार काफ़ी अच्छे थे, छोटे छोटे साइज़ के थे, अगर आपको ज़रूरत हो तो ले सकते हैं, अच्छे ऑफ़र भी थे उसमें। और ये बाउल काफ़ी बड़े साइज़ का था और काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर ये वाइट कलर में क्विल्ट रखी थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी दिखने में, और अच्छा ऑफ़र था इसमें भी। तो यहाँ पर बड़े ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स भी रखे हुए थे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अपने ज़रूरत के सामान और ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर नज़र आई होंगी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें।